परिसर देख लो। विक्रम सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा ही हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इवेंट है ये हमने कटरा डिसाइड किया है कि हम जो कटरा का ऑडिटोरियम है वहाँ पे करेंगे। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि वो एक रिलीजियस प्लेस है। जब भी मैं जम्मू से बाहर जाती हूँ तो जब कश्मीर को तो सब जानते हैं मगर जम्मू को सिर्फ माता वैष्णो देवी के नाम से ही जाना जाता है। तो बड़े सारे लोगों को होता है कि अगर हम जम्मू जाएंगे तो माता के दर्शन भी करके आएंगे। तो उस पर्पज़ को आगे रखते हुए मैंने ये सजेस्ट किया कि हम ये इवेंट कटरा में करेंगे और मैं चाहती हूँ आप लोग सभी हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ताकि वो अपनी टाइम पे फिल्म सबमिशन करवा सके। क्योंकि इससे पहले हमारे कर्नाटका में हुआ है, गोवा में हुआ है, वहाँ भी जम्मू से काफ़ी फिल्म्स गई हैं। तो अगर फिल्में वहाँ बाहर जा सकती थी, इस बार जम्मू में ही हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। मैं इसमें आपको पूरी डिटेल दे दी ये फिल्म फेस्टिवल की जो है। खूबसूरती इस फेस्टिवल की ये होने वाली है कि इस फेस्टिवल में एक नाम जो है, मतलब सपोज कोई फिल्म मेकर है हमारे पुराने, वो दिवंगत हो चुके हैं या जिंदा हैं या पुराने हैं जो फिल्म मेकर, उनके नाम का एक अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। जो डॉक्टर साहब से बातचीत हुई है हमारी, एक अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उनके नाम का। और उनके नाम के अवार्ड से जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको चुना जाएगा और उनको वो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये एक रेगुलर फीचर हर साल के लिए रहेगा। मतलब जैसे इस साल अगर कोई हम 10 या 15 नाम चुनिंदा आते हैं उनको चुन के फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो उत्साह चलेंगे, लेकिन हम एक नाम जो है ना वो पॉजिटिव वो करेंगे सो दैट एक उनका जो हमारे पुराने फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बहुत काम किया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री में, उनके नाम से अवार्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। रिक्वेस्ट किया है वो हमारा साथ दें, उन्होंने हमसे बोला है कि वो हमारा साथ देंगे। तो आज हम चाहते हैं कि लोगों इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, थोड़ा आप उसके बारे में ये थोड़ा ये